एक ओर जहां लोकसभा चुनाव आखिरी दौर में है, वहीं यूपी की सियासत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया ने आखिर वक्त में नई सियासी चाल सबको हैरान कर दिया। कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के मुखिया ने मिर्जापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी को इससे न सिर्फ मिर्जापुर बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर नुकसान सहना पड़ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी को राजा भैया का लोकसभा चुनाव में ऐन मौके पर साथ मिलना बड़े तोहफे से कम नहीं है। दरअसल अब यूपी की जिन 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां क्षत्रिय मतदाता प्रभावी है। खास तौर से राजा भैया ठाकुरों के बड़े नेताओं में से एक है। राजा भैया की पार्टी भले ही एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, मगर वो अक्सर चुनावी चर्चा में बने रहते हैं। यही वजह है कि प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया का नाम लिए बगैर ही इशारों में बड़ा संकेत दे दिया। इस दौरान रैली में काफी संख्या में राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता भी झंडा लेकर पहुंचे थे। अखिलेश ने कहा कि जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, वो लोग भी आज साथ आए हैं। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ? कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं, वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी भी इस गोल्डन चांस को लपकते हुए नजर आ रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो राजा भैया की एंट्री के बाद सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों एनडीए के कई नेता राजा भैया पर हमलावर थे। इनमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले शामिल हैं। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को, जिन्हें लगता है के कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, और अब वही हुआ है। बताया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज अनुप्रिया के बयान से काफी आहत दिख रहा है। क्षत्रिय समाज सीएम योगी के बाद पूर्वांचल में राजा भैया को सबसे बड़ा क्षत्रिय नेता के तौर पर देखते हैं। राजा भैया का प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद समेत मिर्जापुर में भी काफी प्रभाव है। बहरहाल आने वाली 4 जून को साफ हो जाएगा कि अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की सियासी रस्साकस्सी में कौन किस पर हावी होता है, और आखिरी दौर पर अनुप्रिया का चुनावी दाव क्या बीजेपी की सीटों के अंतर को किस हद तक बदलता है।